ये मेरा बन गया बच्ची का लिए ब्रेकफास्ट। थोड़ा हैवी होता है, काफ़ी वेजिटेबल मैं दे देती हूँ। जब आएंगे तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी मैं नाश्ता का प्रिपरेशन कर रही हूँ। वेजिटेबल काट रही हूँ मैं, कैप्सिकम, कैरेट और दो ऑनियन लिया था, एक एकदम सब ऑनियन ख़राब निकल गया मेरा। जितना भी प्याज लिया था ना, सब खराब निकल गया। कैप्सिकम ठीक है, पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया फ्रिज में था तो थोड़ा ऐसा हो गया, पर बाकी सब ठीक है। तो मैं इसे वेजिटेबल को पूरा कुक कर लेंगे। ब्रेकफास्ट बन रहा है। कुक होने देंगे और इसमें हम थोड़ा डालेंगे नमक। नमक डालूंगी मैं अभी इसमें। ये थोड़ा सा और मसाला और डालेगा। वो है मैं डालूंगी अभी इसमें मैगी का मसाला। ये मैगी मसाला डालूंगी, इसको मैं थोड़ा टच कर लेती हूँ। एक ही पाउच लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लूंगी। इसको मैं अभी इतना ढक के नहीं बनाऊंगी, तो बहुत ज़्यादा गल जाता है तो अच्छा नहीं लगता। स्टोव में क्या जलाऊंगी, इसको भी मैं यहाँ ऑन कर देती हूँ और इसमें मैं पानी गर्म करूँगी। अभी बॉयल हो रहा है, थोड़ा सा और उसको चला देंगे हम। बच्चे लोग जो अच्छे से खाए वो ही देना चाहिए। हम लोग सोचते हैं पूरी वो जमाना पूरी पराठा बना दो, वो सब पसंद नहीं करते। रोटी रास्ते में नहीं पसंद करते हैं। मैं आपके बेटा का बात बोल रही हूँ, हिंदी वगैरह दे दो तो मैं इसलिए वेजिटेबल ज़्यादा देती हूँ कि इस बाहर वेजिटेबल भी ले लेते हैं ना, तो वो एक तो मेरा एडवांटेज हो जाता है। तो स्पेशली तो मैं ये जो गाजर है, कैप्सिकम से ज़्यादा गाजर का प्रेफर है। अभी बीन्स भी अभी ठंड आ गया तो बीन्स वगैरह मैं भी शॉप में जाती हूँ, थोड़ा दूर है। अब मैं थोड़ा ये थोड़ा रिड्यूस हो गया, कलर चेंज हुआ तो मैं इसको थोड़ा कर दूँगी सेम। इसी बीच पानी भी बॉयल हो रहा है, आप लोग को मैंने दिखाया है।
पानी भी बॉयल हो रहा है, तो इसको भी मैं थोड़ा कवर कर दूंगी तो ये जल्दी हो जाएगा पानी बॉयल। आप लोग तो अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। जी जो अंदाज़ा लगा है ना, मैं थोड़ा सा इसमें दे दूंगी, चिली सॉस दूंगी, अब इसमें मैं थोड़ा सा दे दूंगी चिली सॉस। बस इतना ही, और इसमें कुछ जाएगा ये जाएगा आपका सोया सॉस, ये भी थोड़ा सा दूंगी एकदम लाइट, नहीं तो एकदम काला काला हो जाता है। और चलूंगी ये टोमेटो केचप, ये दे दूंगी मैं टोमेटो केचप। ये मैंने इस बार ऐसा लाया, बॉटल में नहीं लाया, कि हमारा बेटा को टमाटो केचप बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, ज़्यादा पसंद है बेटा, उसे भी पसंद है, तो फिर हमने थोड़ा ज़्यादा ही दिया अभी। तब तक मेरा जो हमने पानी किया था ये गर्म हो गया, मैंने उसका लिड खोल दिया अभी। आप लोग सब लोग को पता है बच्चों का मोस्ट फेवरेट चीज ये, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए ये उनका मोस्ट फेवरेट चीज, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही करके बनाऊंगी फिर वो सीधा करता है डिनर। आप लोग बोलोगे पानी कम, हाँ थोड़ा पानी मैं कम लेती हूँ ऑलवेज, एकदम गल जाता है जो मुझे बिल्कुल पसंद है। तो अभी जो मैंने सॉल्ट डाला था उसको मैंने मिक्स कर दिया, देखा होगा कि मैंने उस समय पाउच एक ही डाला था नदी मसाला का। अब जो हमने क्या लिया इसमें, तीन पीस लिया मैगी वाला, ये तीन लिया, तो इसमें हम ये तीन पाउच जो है वन ये टू और ये थ्री ये मसाला में डालू, जब मैगी डालूंगी ना तब डालूंगी, अभी नहीं। तो ये मेरा जो मैगी हमने किया था हो गया है, हम इसको ज़्यादा गलाएंगे नहीं, ठीक है। तो हम ये स्टोव को अभी हम बंद कर दिए, अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे। तो आप लोग को बता दें स्ट्रेन करने के लिए जो मेरा ये स्ट्रेनर वाला डोलची है, मैं इसको स्ट्रेन करूँगी, और स्ट्रेन करने के बाद
ये मैं थोड़ा पानी छोड़ूंगी, इसको मैं थोड़ा पानी में ऐसा धो लूँगी। घर बंद करते हैं। ये जो पानी वाला जो थोड़ा थोड़ा पानी है, ऐसी कंडीशन में मैं इसको क्या करूँगी, इसमें डाल दूँगी। ठीक हो गया, अब इसको मैं करूँगी मिक्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या करने से जो चिप चिप है ना, इससे ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा जितना भी तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम से गला गला सा नहीं बनेगा। अब उसको आने में थोड़ा टाइम है, तो ये मैं बना के रख दूँगी, आगे वो खा लेगा। मदर लोग का होता है ना, मम्मी लोग का, कि बच्चा का पेट थोड़ा क्या होना चाहिए, तो कुछ भी फूड जाना चाहिए स्टमक में, है ना। ब्लैक कॉफ़ी पीता है, आप मतलब खाने की इच्छा है, बट यदि पूछो मम्मी कुछ बना के रखी हो, और मैं भी थोड़ा आजकल बिजी हो गई हूँ, बना देती हूँ, थोड़ा लेट होता कभी सैटरडे, हमको लगता है ना वो आए बोले तब मैं बनाऊँ, अपने से बना रखी हूँ मैंने सैंडविच बनाया, उसको मैगी का मूड है, तो उस सेंस में मैं थोड़ा सा रुक जाती हूँ, और फिर वो जब आता है बनाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो फटाक से बना देती हूँ। कुछ भी बोले, बस पूरी पराठा वो नहीं खाता है, मतलब इवन नाइट माइट में भी कभी कभी मैं बनाती हूँ ना, उसको बहुत पसंद नहीं है। अब इसमें मैं थोड़ा सा क्या डाल दूँगी, ये जो हमने मैगी मसाला का पाउच है ये डाल दूँगी, क्योंकि मैंने 3 पीस लिया था मैगी का, आप लोगों ने देखा मेरा 3 पीस, तो मॉर्निंग का नाश्ता ज़्यादा स्पाइसी भी अच्छा नहीं लगता, बस 1 पीस और दूंगी, 3 नहीं दे रही हूँ, 1 ही दे रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 1 मसाला मैंने दिया है। ठीक है, आपको सूपी खाना है, जैसे हिल स्टेशन में आप देखते हो ना, नॉर्थ ईस्ट में जाओ, कोई भी पहाड़ वगैरह में जाओ, ये तो पहाड़ी फूड है ना, लोग थोड़ा सूपी टाइप का लेना पसंद करते हैं, कि थोड़ा सा जूस जूस टाइप का बने, तो सब लोग को ऐसा पसंद है, चाहे तो आप हल्का से इसमें पानी डाल सकते हो, पर मुझे पसंद नहीं, मैं तो खैर मेरे को तो खाना नहीं है। ये मेरा रेडी, मेरा रेडी हो गया, इसको ज़्यादा ओवर कुक हमको नहीं करना, हम इसको अभी कैसरोल में निकाल लेंगे। ये मेरा बन गया बच्चे का लिए ब्रेकफास्ट, थोड़ा हैवी होता है, काफ़ी वेजिटेबल मैं दे देती हूँ, जब आएंगे तो 1 अंडे का पोस करके, इसमें अभी पोस नहीं डालूँगी, जब वो अभी आएगा, आने में थोड़ा टाइम है, आधा घंटे से थोड़ा कम है, तो मैं कॉल कर लेती हूँ कि कहाँ तक पहुँचे, फिर मैं एक पोज करके इसमें डाल दूँगी, खाली पोज, और उसको ऑमलेट नहीं बनाना, आप बॉयल एक करके भी पीस करके डाल सकते हो, पोज भी डाल सकते हो, और इस तरीके से ये रेडी हो गया आपका एक अच्छा सा हैवी ब्रेकफास्ट या ब्रंच बोल सकते हो, इसको आप टिफिन में भी ले जा सकते हो, इतने जैसे वर्किंग लेडी है, हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, तो एक साथ ले लिया, तो 2 स्पून रख लिया, ग्लास वगैरह तो ऑफिस में रहता ही है, आप इसको एक लंच के रूप में भी इसको यूज ले सकते हैं। तो ये मेरा रेडी हो गया, मैं इसको कवर कर देती हूँ, इसको ठंडा हो जाएगा। थैंक यू।